तो भाई गाड़ी तो ऐसे बहुत ही प्यारी लगती है टोन में अगर आप देख लो जो बड़ा पार्ट होता है ना इसका जो फुल बड़ा पार्ट होता है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है और वो चिपक जाता है कोई दिक्कत नहीं होता है छोटे छोटे पार्ट्स में जहाँ पर वो अच्छे से नहीं चिपका पाते ना वो जगह बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है लेक मी शो यू हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तो जी आ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं रूफ रैप के रिलेटेड तो आपने देखोगे मैंने रूफ रैप करवाया गाड़ी और देखने में गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है अब इसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर मैं आपको बताऊँ मतलब कि अभी लगाए हुए हो गया लगभग दो महीने तो हो ही चुके हैं तो इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ चलो अच्छा तो एक ही है कि वो लुक अच्छा लगता है ठीक है और कलर वालर जो पेंट बचाता है वो सब आई डोंट थिंक उतना वैल्यू रखता है लुक बहुत ही अच्छा बन जाता है स्पोर्ट्स वाला लुक लगता है और थोड़ा बहुत लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं रेंज रोवर से बट खैर जो भी है वो अब वो लेकिन जो डोल्टोन है वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स लुक देता है अब इसका लुक तो अच्छा है लेकिन इसमें क्या मतलब कि जो खामियां है क्या इसमें डिसडवांटेज अगर इसको सही से नहीं लगाया जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ छोटा सा वीडियो में ठीक है तो आप पहले ये वीडियो देख लो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है अगर इसको ठीक से ना लगाया जाए तो सुबह गाड़ी तो इसे बहुत ही प्यारी लगती है टोन में अगर आप देख लो साइड का लुक देखो कैसा लग रहा है एंड अगर फ्रंट लुक से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है न चलो इधर से भी देख जाता हूँ जैसे तो नॉर्मली इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं इसका जो ड्रॉबैक है ना वो बताता हूँ अभी देखो जैसे जो बड़ा पार्ट होता है ना इसका जो फुल बड़ा पार्ट होता है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है और वो चिपक जाता है कोई दिक्कत नहीं होता है छोटे छोटे पार्ट्स में जहाँ पर वो अच्छे से नहीं चिपका पाते हैं वो जगह बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लेक में शो यू और एक जगह दिखाता हूँ कि अगर इसमें छोटा सा होल हो गया ना बड़े वाले में भी देन इट विल स्टार्ट कीपिंग वाटर वाटर लॉगन लगेगा तो, तो यहाँ अगर आप देखो मैंने एक छोटा टेप लगाया था बट अगर इसको निकाल देंगे ना तो इसके अंदर होल है सो so, ये ना डैमेज कर सकता है अगर अच्छे से नहीं लगाया हो तो ठीक है अभी बड़ा वाला तो लगभग ठीक से लग जाता है लेकिन पीछे वाला का ना प्रॉब्लम होता है जहाँ पर कट्स होते हैं वहाँ पर वो ठीक से लगा नहीं पाता और वो लगता भी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत जगह पुछा उन्होंने बोला कि भैया जो छोटे छोटे बार्ट होते हैं ना वहाँ पर कुछ पकता नहीं है निकल जाता है तो वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम। सो सुगैज आपने देख लिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे अभी रूफ रैप में मतलब कि जो लगाए थे वो उतना अच्छे से नहीं लगा पाए थे हालांकि जो रूफ रैप का जो क्वालिटी है वो ब्रांड है वो एवरी डेंसन का है तो विच इज वन ऑफ द गुड ब्रांड मतलब ज्यादातर लोग लगाते हैं इसको ये नाम का है सो so, आपने भी देखा होगा वीडियो में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस में कि एवरी डेंसन का लोग लगाते हैं तो एवरी डेंसन का अगर आप लगा रहे हो ना तो चलो वो तो ठीक है पर लगाने का तरीका भी एक मैटर करता है आप जहाँ से लगवा रहे हो वो सही से लगाना मतलब कि लगाना उनको आना चाहिए तो ये एक बार देख लेना तो बड़ा वाला पार्ट जो है ना मतलब कि आप जो लगाते हो तो ये देखना कि जो बड़े वाले पार्ट है जो पूरा जो इसका जो ऊपर में आता है वो कहीं भी कट ना हो अगर कट हुआ ना तो भाई लग जाएंगे क्योंकि उसमें पानी जमेगी और फिर वो आपका जो वही कोरसन वगैरह ये सब होने लगेगा रश्ट लगने लगेगा और इसके अलावा जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना चलो उनको तो आप आ, कुछ दिन में खराब हुआ तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे दो सौ तीन सौ रुपये वो कर देंगे वो छोटा वाला पार्ट में बट स्टिल वो ना बहुत गंदा दिखता है अगर छोटा वाला पार्ट ऐसा हो रहा है तो कंक्लूजन वाइज मैं ये बोलूंगा अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहे हो तो और आप ऐसा लगा रहे हो कि नहीं चलो ठीक है आ, कोई दिक्कत नहीं है खराब होगा तो भी मैं चेंज करवा दूंगा देन इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको मतलब कि बजट थोड़ा सा अच्छा है मतलब कि ये जो लगाओगे आपको दस हजार तक तो आ ही जाएगी सात से दस हजार के बीच में आएगा आई डोंट नो अदर अटी कुछ और लोगो तो कितना प्राइस आएगा लेकिन अगर आप इसको पेंट करा देते हो ना जो कि परमानेंट होगी और वो अच्छा भी होगा अगर आप कंपनी से कराओगे जो कि मैंने पूछा हुआ है तो मुझे उन्होंने पंद्रह सोलह हजार का प्राइस बताया कि पंद्रह सोलह हजार में आपका हम पूरा डोल्टन कलर कर देंगे शोरूम का बात कर रहा हूँ मैं तो वो भी आप अप्रोच कर सकते हो डबल के आसपास का प्राइस आएगा लेकिन वो ज़्यादा सेफ रहता है कार के लिए सेफ़ मतलब कि ख़राब नहीं होता है वो क्योंकि कंपनी का जो जेनवइन कलर है वही यूज़ करते हैं वो लोग तो आप ये यूज़ कर सकते हो आप एक बार देख लो बट जो लुक है ना वो डेल्ट में बहुत ही सुंदर लगता है गाड़ी का तो आपको अगर करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं बताऊँगा कि आप उसको कलर ही पेंट ही कर दो अगर बजट है तो पंद्रह सोलह हज़ार खर्च होगा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और अगर आप प्रूफ फ्रप करवा रहे हो तो वैसे भी आपको आठ से दस हज़ार तो लग ही जाएंगे है ना क्योंकि मुझे इसको लगाने में साढ़े सात हज़ार लगभग आसपास लग गई थी तो यही आज छोटा सा वीडियो है आपके लिए कि अगर आप प्रूफ फ्रप करवा रहे हो और कन्फ्यूज़ हो कि रूफ फ्रप करवाओ या कलर करवाओ तो अगर बजट है तो गो फॉर पेंट अदरवाइज रूफ फ्रेप करवा सकते हो बस थोड़ा सा फिटिंग और जो जो चिपकाते हैं उसको वो थोड़ा केयरफुली देखना कि कहीं कट मार्क्स नहीं आना चाहिए तो होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको क्या करना है मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक बाय बाय